हेलो सो इन द टेक चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अक्रम और आज की इस वीडियो में हम आसूस का जेन फोन लाइट L1 का जो अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आसूस जेन फोन लाइट L1। इसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो इसकी प्राइस है 6,000 रुपये। तो चलिए सबसे पहले जो है बॉक्स को ओपन करते हैं और क्या क्या कंटेन है वो देख लेते हैं हर बार की तरह। क्या है वो तो आपको मालूम ही होगा। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं फटाफट। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है जेन फोन लाइट L1 को। तो फ्लिपकार्ट से मैंने इसे ख़रीदा है, तो आप देख सकते हो ये रहा कुछ इस तरह से बॉक्स पैक, रंगीन। यहाँ पे पीछे कुछ स्पेसिफिकेशन नीचे शो कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे भी जो है कुछ इम्पोर्टेड बाय फ्लिपकार्ट ये सब कुछ लोगों वो सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे 4G ओल्टी यहाँ पे सपोर्टेड है यहाँ पे, और यहाँ पे मेंशन भी कर रहा है। और ये अपने देखो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वी फोटो लिखा हुआ है साइड में। तो चलिए बॉक्स को जो है यहाँ पे ओपन करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे वी फोटो, क्या मतलब है इसका यार मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन हाँ मैं कहूँ इसकी फ़ोटो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस प्राइस रेंज के अंदर। तो यहाँ पर आपको एक मिल जाता है यहाँ पर सिम इजेक्ट पिन, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन गाइड, यहाँ पे कुछ स्टिकर है, मतलब स्टिकर है वो बारकोड का। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। ये रहा हमारा फ़ोन, इसको भी फ़िलहाल जो हम साइड में रखेंगे। और यहाँ पे एक कार्डबोर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये रहा यहाँ पे एक पावर अडेप्टर जो 5 वोल्ट 1 एम्पियर पर जो है चार्ज होता है, आउटपुट देता है 0.2 एम्पियर। और ये रहा एक USB केबल डेटा शेयरिंग और चार्जिंग के लिए। यहाँ पे कुछ कूपन भी दिए थे myntra.com का, 50% कुछ 80% डिस्काउंट का। तो ये प्लास्टिक को भी हटा देते हैं। तो आप देख सकते हो ये रहा हमारा फ़ोन, ये दो कलर में अवेलेबल है, एक गोल्ड कलर और एक ब्लैक कलर। 5,999 रुपये का जो इसका प्राइस है। तो ये मेटालिक फिनिश आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ग्लोसी भी है और फिंगरप्रिंट भी नहीं लगता है। यहाँ पे ऊपर के साइड पर आपको 3.5 mm हेडफोन जैक, यहाँ पे सिम ट्रे मिल जाता है, यहाँ पे स्पीकर नीचे, USB यहाँ पे पिन। और सिम ट्रे की मैं बात करूँ तो हाइब्रिड सिम नहीं है, तो एक अच्छी बात है, मतलब आप दो सिम को और एक microSD कार्ड को जो है इस्तेमाल कर सकते हो। तो फटाफट मैं सेटअप कर लेता हूँ यहाँ पर फास्ट मोड में, ताकि जो आपका टाइम बचे, ज़्यादा टाइम ना ले। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ काफ़ी शॉर्टकट दिया है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और यहाँ पे मैं सिस्टम की बात करूँ तो मैसेंजर जो है यहाँ पे इनबिल्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे फेसबुक भी दिया हुआ है पहले से ही, और यहाँ पे फाइल मैनेजर, यहाँ पे आसूस का कैलकुलेटर, वेब स्टोरेज, स्टोरेज का भी ऑप्शन मिलता है आसूस के अंदर। अभी एक फ़ोन जो आने वाला है मेरा, अनबॉक्सिंग में अभी करूँगा मेरे चैनल के अंदर, आसूस का जेन फोन मैक्स प्रो M2। तो उसके अंदर जो है 100 GB का जो आपको क्लाउड स्टोरेज मिलता है ऑनलाइन गूगल के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ इस फ़ोन के अंदर आ तो आपको 8.0 ओरियो मिलता है, जो शायद अपडेट हो जाए एंड्रॉयड पाई कर, लेकिन दावा नहीं किया है कंपनी के भाई अपडेट आ जाएगा। स्टोरेज की बात करूँ तो आपको 16 GB का इंटरनल मेमोरी जो आपको मिलता है, जो अभी फ़िलहाल 9 GB के आसपास जो आपको फ्री मिलेगा। 2 GB रैम जो है इसके अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है मैंने सेटअप कर लिया, अनबॉक्सिंग मैंने बता दिया, ये कुछ रिव्यू कर रहा हूँ मैं। यहाँ से जो है हमारा रिव्यू स्टार्ट होता है इस फ़ोन का। तो मैंने दोनों वीडियो को जो मैंने एक साथ मिला दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो मल्टी विंडो का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे स्क्रीन शॉट का, 100 ऑपरेशन का, यहाँ पे ग्लव्स मोड, डेटा सेवर का ऑप्शन, यहाँ पे स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करना है वो ऑप्शन भी इसके अंदर जो आपको मिल जाता है। मतलब जितने भी फीचर्स है जो ओरियो के अंदर आता है वो सारे के सारे जो इसके अंदर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉल सेटिंग के अंदर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। फिलहाल जो अभी 2018 में मैंने जितने भी फ़ोन के रिव्यू किए हैं या अनबॉक्सिंग किए हैं, सारे के सारे फ़ोन के अंदर जो है ओरियो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ओरियो के अंदर जो है आपको ये कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी जो है मिल जाता है। यहाँ पे बैटरी सेवर का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, पावर मास्टर, यहाँ पे ऑटो स्टार्ट मैनेजमेंट। तो बैटरी की मैं बात करूँ इसके अंदर आपको 3000 mAh की बैटरी जो है मिलती है। तो मैं अनलॉक की बात करूँ तो इसके अंदर फिंगरप्रिंट दिया गया नहीं है, लेकिन फेस अनलॉक ऑप्शन मिलता है।
तो फेस अनलॉक की मैं बात करूँ तो ये नॉर्मल है, मतलब इसके अंदर जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर के अंदर कोई सिस्टम अपडेट नहीं किया है या हार्डवेयर के अंदर कोई चेंजेस नहीं है कि फेस अनलॉक का ऑप्शन मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से काम करे, ऐसा नहीं है। सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंदर जो है अपडेट किया गया है फेस अनलॉक को। तो इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि आप किसी भी फ़ोन के अंदर, एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर जो है फेस अनलॉक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। तो सेम टू सेम वैसा ही जो है ये एप्लीकेशन, ये वाला जो फेस अनलॉक है वो काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो तो गेम जीनी करके यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको गेम को रिकॉर्डिंग करना है, यूट्यूब से कनेक्ट करना है, लाइव खेलना है, तो भी जो है आप खेल सकते हो। तो ये ऑप्शन अभी फ़िलहाल जो है दिया हुआ है। और भी मैं फीचर्स की बात करूँ, यहाँ पे पेज मेकर, यहाँ पे किड्स मोड, किड्स मोड अगर आपको एंटर करना है तो कर सकते हो। इजी मोड का ऑप्शन दिया गया है, इंस्टेंट कैमरा, यहाँ पे जेन मोशन का ऑप्शन दिया गया है, मतलब अगर आपको स्क्रीन को डबल टैप करके ऑन ऑफ करना है वो आप कर सकते हो। अगर आप फ्लिप कवर लगाते हो तो ऑटोमेटिकली जो है म्यूट हो जाएगा, तो ये वाला भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे अगर आप W लिखते हो वेदर आ जाएगा, अगर आप C लिखते हो तो कैमरा ओपन हो जाएगा। मतलब जितने भी शॉर्टकट चीज़ें हैं वो सारे के सारे जो आपको इससे गेस्चर, जेन मोशन मोशन फ्यूचर के अंदर जो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पहले से ही जो है सेट किया हुआ है। और यहाँ पे ग्लव्स मोड का भी ऑप्शन दिया गया, मतलब अगर आप ठंडी में मोजे पहनकर भी अगर स्क्रीन को इस्तेमाल करना चाहते हो टच को, तो टच काम करेगा अगर ग्लव्स मोड को आप ऑन कर दे तो। कैमरा की मैं बात करूँ, आपको 30 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल जाता है, उसके साथ आपको ब्यूटी इफेक्ट, पैनारोमा इफेक्ट, यहाँ पे सारे के सारे इफेक्ट जो है आपको मिल जाता है। और वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी जो है आपको मिलती है। फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो फ्रंट कैमरा के अंदर 5 मेगापिक्सल का कैमरा जो है दिया गया है, वो 13 एंड 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। कैमरा क्वालिटी मुझे काफ़ी पसंद आया। इस 6000 के फ़ोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छी जो है क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। कुछ इंडोर फोटो है आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडोर में यहाँ पे शॉट लिया हुआ है, काफ़ी अच्छी जो है कैमरा क्वालिटी जो है मुझे मिली। और यहाँ पे आउटडोर की बात करूँ तो आउटडोर भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन फोकस मैंने सिर्फ ऊपर दिया है तो आप देख सकते हो थोड़ा सा डार्क हो गया। और ये मैंने HDR में खींचा हुआ है नाइट मोड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नाइट मोड के कुछ फ़ोटो है, ये HDR बिगर मैंने खींचा हुआ है और ये HDR में मैंने खींचा हुआ है। तो आप देख सकते हो फोटो क्वालिटी, ये फ्रंट कैमरा से खींचा हुआ है सेल्फी कैमरा, इसके अंदर ब्यूटी इफेक्ट का भी ऑप्शन जो है मिल जाता है और पोर्ट्रेट मोड भी अवेलेबल है इसके अंदर। और वीडियो क्वालिटी की बात करूँ तो वीडियो क्वालिटी मुझे काफ़ी पसंद आया, लेकिन थोड़ा सा एक दिक्कत मुझे इसके अंदर दिखी जो फोकस का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वीडियो के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बार बार कुछ चीज़ों को जो सामने आ जाता है वो फोकस करने की जो है कोशिश करता है। मेरे ख्याल से ये अपडेट के बाद जो है ये ठीक हो जाएगा, ये नॉर्मल सा इशू है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये सिर्फ फोकस करने की कोशिश कर रहा है थोड़ा सा आगे अगर है तो। ओके, तो प्रोसेसर की मैं बात करूँ, इसके अंदर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 430 का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर जो है इसके अंदर दिया हुआ है। डिस्प्ले की मैंने बात करूँ तो 5.45 इंच का फुल HD प्लस जो आपको डिस्प्ले मिलता है। और बैटरी में मैंने आपको बताया 3000 mAh की बैटरी है। और इसके अंदर मैंने कुछ हाई एंड गेम भी खेले हैं, जैसे कि पबजी गेम मैंने खेला है, तो थोड़ा सा मुझे हीटिंग का थोड़ा सा इशू लगा, 7 से 8 डिग्री जो है बढ़ जाता है। तो नॉर्मल है, मतलब अगर आपको फील होगा अगर आप कोई भी हाई एंड गेम खेलते हो कि हाँ भाई हीट हो रहा है फ़ोन। बाकी नॉर्मल गेम के अंदर जैसे आप टेम्पल रन खेलते हो या छोटे मोटे अगर कोई भी गेम खेलते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है और हीट भी नहीं होता फ़ोन। लेकिन अगर आप हाई एंड गेम खेलते हो पबजी जैसे, तो थोड़ा सा जो है हीटिंग का इशू आपको मिलेगा, क्योंकि यार 6000 के फ़ोन के अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है और 2 GB रैम के अंदर जो है, और लो स्पेक के अंदर अगर आप पबजी खेलते हो तो थोड़ा सा जो है हीटिंग का इशू होगा। लेकिन ये वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने पबजी खेला, बहुत देर तक मैंने पबजी खेला, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा सा मुझे लैग नज़र आया, बाद में जो है नॉर्मली जो है आप खेल सकते हो। और आप HD में नहीं, सिर्फ लो स्पेक में ही जो है आप पबजी खेल सकते हो। तो ये एक मतलब अच्छी बात है कि हाँ चलता तो है यार पबजी, तो आप नॉर्मली जो है पबजी खेल सकते हो इसके अंदर। ऐसे तो मैं अभी लावा का मेरे पास एक X8 है बहुत पुराना, तो उसके अंदर भी खेलता हूँ, उसके अंदर भी 2 GB रैम दिया गया है। ओके, मैं डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूँ तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। आपको 1440x720 पिक्सल का रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है, जो एक 18:9 का डिस्प्ले है, मतलब इसका जो फुल व्यू आप देख सकते हो तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे व्यूइंग एंगल भी काफ़ी अच्छा जो है मिलता है। ओके, अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। और आपको ये फ़ोन ख़रीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट में भी जा सकते हो, akrammalik.com।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे ऐसे नए टेक वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हिंदी टेक।